नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बकरीद के त्योहार पर पुलिस मुस्तैद, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी। सभी थाना क्षेत्रों में बकरीद त्योहार के मद्देनजर एहतियात के तौर पर मुकम्मल फोर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी थाना क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्र नहीं है, फिर भी हर ईदगाह हर मस्जिद पर आवश्यकता के अनुसार फोर्स की तैनाती कर दी गई है। उक्त बातें ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी मौलवी मुतलवी मस्जिद के इमाम को सरकार की गाइडलाइन के बारे में बता दिया गया है, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जाए, किसी भी स्थान पर पशुओं कुर्बानी ना दी जाए, सरकार द्वारा किस पशु पर प्रतिबंध लगाया गया है उस पशु की कुर्बानी ना दी जाए, लोग मस्जिदों में ईदगाह में नमाज अदा करें और अपने घरों में कुर्बानी की रस्म अदा करें, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर गंदगी ना हो, गंदगी को हटाने के लिए जो एजेंसी नियुक्त की गई उन लोगों को भी अवगत करा दिया गया है कि क्षेत्र में कहीं गंदगी ना रहे। उसके साथ साथ अतिरिक्त पीएसी फोर्स को रखा गया है, क्षेत्र में कहीं कोई अनहोनी की घटना होती है तो तत्काल वहां पर फोर्स मुहैया कराई जाएगी। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट। वाराणसी ग्रामीण के सभी थानों में शांति समिति की मीटिंग कर ली गई है। वहाँ के जो मौलवी हैं, मुतवल्ली हैं, उनसे सबसे बात हो गई है। सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि जो उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश हैं, सार्वजनिक स्थान पर कोई नमाज नहीं होगी, सार्वजनिक स्थान पर कोई कुर्बानी नहीं की जाएगी, वो कुर्बानी अपने घरों में करें। इसके अलावा जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको भी वो स्वयं से देखें, जो एजेंसीज हैं साफ़ सफाई के लिए वो भी अपना काम करेंगी। इसके अलावा हमने हर मस्जिद और हर ईदगाह पर ड्यूटी लगाई हुई है। जो हमारे पास रिजर्व फोर्स है, जो पीएसी है, उसको निश्चित आबादी वाले इलाकों में और जहां पर अधिक मुस्लिम आबादी है उन इलाकों में तैनात किया है। संवेदनशीलता हमारे यहाँ किसी भी थाना क्षेत्र में ज़्यादा नहीं है, फिर भी लोहता पर हमारी सबसे सतर्क दृष्टि है। उसके बाद जनपुर, बड़ा गांव, इन जगहों पर हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे। हमारे पास स्ट्राइकिंग रिजर्व भी रहेगा कि कहीं कोई अनहोनी होती है तो हम तत्काल उसको पैदा कर सकते हैं। ठीक है, का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।